आप विधानसभा में कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम, और नौकरी छीनो श्री राम ही करवा रहे हैं। जब सरकार में आ गए हैं तब कंठ में दही जम गया। अभी झूठा आश्वासन ये लोग दे रहा है। लोग सम्राट चौधरी झूठ बोले। हाँ झूठ बोल रहे हैं। अभी जय श्री राम का नारा लगाते हैं और नौकरी छीनो श्री राम, 6 साल काम करवाए अब लव लेटर दे के घरे भेज रहे हैं। जब धारा 370 हट सकता है इस देश में तो संकल्प संख्या 51 का नहीं हटेगा। बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि छपता नहीं है, मेरा छापता नहीं है खबरवा। तो अब आप लोग थोड़ा छाप कर बता दीजिए कि कैसे समस्या चल रहा है बिहार में। चाय का कप फेंका के पी कर फेंक दीजिएगा। जब विपक्ष में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा थे तो इन शिक्षकों को भी, इन अतिथि शिक्षकों को भी सरकार रखे, व्यवस्था करे। 2 महीना से अब रोड पर पिए हैं। आज सम्राट चौधरी क्या गया है, विजय चौधरी क्या गया है, विजय सिन्हा सिंह क्या गया है। बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और बहुत कुछ है। देखिए पोस्टर्स वगैरह लेकर के ये क्या लगा के रखे हैं भाई, सम्राट चौधरी का अतिथि शिक्षकों को स्थाई कब करोगे। हाँ जब विपक्ष में हुआ करते थे तो इन्होंने बहुत जुमलाबाजी करते थे, अतिथि शिक्षक जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक का नौकरी कब करोगे। और जब सरकार में आ गए हैं तब कंठ में दही जम गया। अभी तो आए ही हैं। तो आए हैं तो आश्वासन दिए थे हमको 2 दिन पहले कि आप लोग का कर मुलाकात किए थे। क्या मुलाकात किए थे चैम्बर में सम्राट चौधरी? हाँ जाकर क्या बोले? और बोले कि आप लोग का मामला सुना जाएगा, किया जाएगा, लेकिन ये सब जुमलेबाजी है, ढकोसलाबाजी है। सीएम बन गए उसके बाद? हाँ झूठा आश्वासन ये लोग दे रहा है। लोग सम्राट चौधरी झूठ बोले। हाँ झूठ बोल रहे। अभी नहीं हुआ कागज तो झूठे न हुआ जी, कह रहे हैं कर देंगे, हुआ है ये नहीं। जय श्री राम का नारा लगाते हैं और नौकरी छीनो श्री राम, ये कौन सा नियम चल रहा है देश में? बीजेपी नीतीश से खुश नहीं है? ये कौन बीजेपी या राजद जदयू की बात नहीं है, यहाँ शिक्षा की बात है। अब विधानसभा में कहते हैं जय श्री राम, और नौकरी छीनो श्री राम ही करवा रहे हैं। ये कौन श्री राम करवा रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं और ये भी कहना चाहते हैं, राज्यपाल महोदय से हमारा डेलीगेशन 2 बार जाकर मिला है और अर्जेंट लेटर लिखकर भेजते हैं। क्या ये लव लेटर है क्या आप? ये कौन सा लेटर आप दे रहे हैं? 6 साल काम करवाए अब लव लेटर दे के घरे भेज रहे हैं। नौकरी मेरा छीन लिया गया है, शिक्षक है। अभी नौकरी में नहीं है? नहीं है। हाँ। छीन लिया गया है नौकरी। हाँ। हटा दिया गया है। हाँ। अब बताइए कि हमको मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, क्या सस्पेंड है? सस्पेंड नहीं है। हाँ। सबको हटा दिया गया है। हाँ। आंदोलन में आए इसलिए? नहीं, इस कह रहे हैं कि संकल्प संख्या 51 में कि आप लोग बीपीएससी वाला आइएगा तो हट जाइएगा। अच्छा। तो कौन सा संविधान में लिखा हुआ है जी, जब धारा 370 हट सकता है इस देश में तो संकल्प संख्या 51 का नहीं हटेगा? क्यों नहीं हटेगा? क्यों नहीं हटेगा? आप नौकरी की गारंटी दे रहे हैं तो दीजिए। और मीडिया बंधु से भी मैं पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि छपता नहीं है, मेरा छपता नहीं है खबरवा, तो अब आप लोग थोड़ा छाप कर बता दीजिए कि कैसे समस्या चल रहा है बिहार में। मीडिया बंधु को भी मुख्यमंत्री जी चैलेंज देते थे और कहते थे कि छपता नहीं है खबरवा, काहे नहीं छपता है। तो आप लोग थोड़ा छाप कर बता दीजिए, पूरा देख लीजिए कितने शिक्षक आए हैं और नौकरी छीन लिया गया, हमारे इस साथी का नौकरी छीना गया है। आगे आइए, आपकी भी नौकरी गई है? हाँ जी सर। अच्छा क्या कह रहे हैं, तो मतलब सरकार से खुश नहीं है? नहीं खुश तो की बात नहीं, नहीं। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी जगह पर कि हम लोगों को फिर से रखा जाए, सामंजन किया जाए, इसी का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। विनती अनुरोध सब जगह कर रहे हैं, सारे लोगों से मिल रहे हैं। हम अतिथि शिक्षक हैं, 2018 से कार्यरत हैं। हम लोग बहुत निष्ठापूर्वक कार्य किए हैं, इलेक्शन ड्यूटी, कोरोना काल, मूल्यांकन। उस समय जब सारे टीचर हट गए थे उस समय कोरोना काल में हम लोग ड्यूटी किए हैं अपनों जान को बाजी लगा करके, और आज हम लोग हट गए हैं। विद्यालय से हमको बाहर कर दिया गया है और आज हमारे बाल बच्चे पूछते हैं कि पापा जी विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं, हम क्या जवाब देंगे? हम तो एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि हम अपने बाल बच्चा को जहर दे करके, पॉइजन दे करके मर जाएँ और मुला दें सब किसी को। नहीं तो लड़ाई लड़ने आए हैं ना? लड़ाई आज लड़ेंगे, ठीक है ना। एक ही उम्मीद जगह है कि जब से सम्राट चौधरी विपक्ष में है वो बोले थे कि आप लोग का मुद्दा हम उठाए हैं, और हाँ उनका पैनर है, हम लोग गले में लगाए हुए हैं, और वो बोले हैं कि आप लोग को अस्थाई किया जाएगा। महोदय से निवेदन है कि हम लोग जल्दी से जल्दी अस्थाई कर दिया जाए। नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं जी? नीतीश कुमार तो हमारे पालनहार हैं, वहीं हम लोग को रोजगार दिए हैं और आज वहीं रोजगार ले रहे हैं। सम्राट चौधरी आए और बोले कि नहीं हम आप लोग को अस्थाई करेंगे,
कब तक स्थायी करते हैं थोड़ा देखा जाता है, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन होगा, हम लोग मरेंगे, आत्मदाह करेंगे, उसमें दूसरा कोई विकल्प नहीं है हम लोग के पास। बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। जी जी, हम कहना चाहते हैं सभी मीडिया बंधु, सभी जनता, पूरे 14 करोड़ जनता से कि किस राज्य में, किस संविधान में लिखा हुआ है जी नौकरी छीनने का, ये कहीं किसी लिखा हुआ है? कौन IAS नियम कानून बना देता है कि नौकरी छीन लो, हटा दो, भगा दो, काम करवा लो, भगा दो? क्या हम लोग चाय का कप है क्या कि पीकर फेंक दीजिएगा? ये कौन सा नियम है आपका बताइए? चाय का कप नहीं ना शिक्षक जी, हमारा जितने भी DM बनाया गया है, DM और BDO CO बना, सबको बर्खास्त कीजिए। अगर हम असक्षम हैं तो, अगर हम असक्षम हैं तो जितने भी DM और पत्रकार बंधु को हमने पढ़ाकर बनाया है वो सबको हटाइए और ये बात साबित कीजिए कि आप असक्षम हैं। ये जितने जो अतिथि शिक्षक भाई हैं ये 6 बरस से कंटिन्यूअस सेवा दे रहे हैं, इनकी बहाली रिक्ति की विरुद्ध की गई है, सैंक्शन बोर्ड पर किया गया है। ये 6 साल से लगातार सेवा दे रहे थे, सरकार ये को रोजी रोटी की व्यवस्था कर रही है, लाखों लाख शिक्षकों की बहाली कर रही है और 6 बार से कार्यरत अतिथियों को आज रोटी छीन लिया गया है। 2 महीना से रब रोड पर पिए हैं, आज सम्राट चौधरी किया गया है, विजय चौधरी किया गया है, विजय सिन्हा सिंह किया गया है। जब विपक्ष में सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा थे तो कहे गए कि जब एक और सरकार नीतीश बाबू नौकरी दे रहे हैं तो इन शिक्षकों को भी, इन अतिथि शिक्षकों को भी सरकार रखे, व्यवस्था करे। आज सरकार में है, नीतीश कुमार के सरकार में है, वो दोनों मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि हमारी सेवा भी कंटिन्यूअस करे। जो हमारे अतिथि शिक्षक आज रोड पर हैं, रोटी के लिए मारे फिर रहे, उन्हें सेवा में वापस लाए, सेवा कंटिन्यूअस करे, यही हम सब मांग करते हैं।